ढील देके आई बो हमारे कैमरामैन ने दिया देखो काट और वो देखो वो गई पतंग देखो कैसे घुसती हुई। हेलो गाइस कैसे हो आप सभी। यार आज ना मैं ट्रिकों से पतंग काटना सिखाऊंगा। आप सभी कहते हैं कि हमें कोई ट्रिक बताओ कि एक तारीख आ चुकी है आज हैप्पी न्यू ईयर सभी को पहले तो, और आप कहते हैं ट्रिकों से पतंग काटना सिखाओ, तो ट्रिक से मैं पतंग काटना सिखाऊंगा आप सभी को। ट्रिक क्या होगी ये देखो मेरा पुराना वाला मंजा, अगर आपको चाहिए ये मंजा तो भाई 4 तारीख से पहले पहले अपना ऑर्डर डाल दो, अगर उससे पहले नहीं डालो उसके बाद डालोगे मैं रिसीव नहीं करूंगा, और कोई भी क्या कहते हैं चाइनीज मंजे के लिए कोई भी क्वायरी मत करो। पतंगे मेरी इसमें आज की वीडियो के लिए, और मंजा जो है ये पुराने वाला आपने देखा ही होगा, इसको खोल के दिखा देता हूँ, इससे आज ट्रिक बताऊंगा आप सभी को। ये देखो ये हो चुका है, ये रहा आपका चाहिए कलर, तो आप ऑर्डर कर सकते हो। कहाँ पे करोगे? अंकित काइट फाइटिंग COD पहले बोला था ना नॉट अवेलेबल, अब अवेलेबल, लेकिन 30-40% आपको एडवांस देना होगा। बाकी अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं, मैं पतंग निकाल लेता हूँ और इनमें से कोई पतंग निकाल के आपको ट्रिक बता दो कैसे कैसे काटनी है। आज निकालने में ब्लैक और भगवा कलर, और इस पर अपना स्टिकर लग रहा है, किसको होल कर लेनी है इस तरह से कर ले रहा हूँ। पहले तो मैं आपको स्टिक से करके बताता था, अब इसमें सद्दी से करने बांधता हूँ। पहले थोड़ी सी मैं सद्दी ले रहा हूँ, थोड़ी सी मैंने डबल करी, यहाँ से मैंने इस तरह से करी, निकालने के बाद इधर से निकाल लो, नोट्स लगा ले, 5 से ज़्यादा नहीं, और ऐसे निकालने के बाद नीचे भी आपको लगा लेनी है 3 से कम नहीं एंड 5 से ज़्यादा नहीं। देखो आपने ये सब बांध लिया और आपने ये ही नहीं करा तो आपका बेकार है पतंगे करने वगैरह उड़ाने का मतलब का। मैंने रखा है पूरा का पूरा 1 इंची आ गया, सेंटर में भी रख सकते हो। चलो गाइज आपको थोड़ी बहुत टेप भी लगा लेनी है, टेप क्यों लगानी है क्योंकि हवा बहुत तेज है, अगर आपके यहाँ भी हवा तेज हो या ना हो जब भी आपको लगा लेनी रह जाती है, जैसे क्या कहते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट होती है ना उस तरह से आपकी हो जाएगी विंड प्रूफ। अब इसको मैं डायरेक्ट उड़ाता हूँ अपने मंजे से। देखो ये रहा मेरा मंजा भाई साहब, इतना कड़कनेस है ना इसमें और इतना मजेदार है कि पूछो मत। थोड़ा गीला करके, टूटेगा नहीं, इतना इसमें वजन है कि अपनी पतंग को वेट संभाल लेगा, ज्यादा का नहीं संभाल पाएगा क्योंकि बड़े ही उड़ाओगे। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा तिल्ला मोड़ते हुए, आप मेरी पतंग का तिल्ला इसलिए मोड़ते हुए देख रहे हो क्योंकि लचीला, आपके यहाँ होंगे ना तो वैसे ही होंगे, टूट भी सकता है थोड़ा आराम से। और ये उठ चुकी हमारी पतंग, कैमरामैन हाँ फुल एनर्जी में हो? अरे मजा आ गया, एनर्जी पूरी निकालोगे? हाँ चलो आप तो गद्दे रखेंगे। कौन? मैं। अरे दिखाओ जरा नीचे चढ़ चढ़ के देखो, इधर भी इधर भी है तो इनकी तो मैं लंका लगाता हूँ रोज। मंजा देखो भाई साहब कड़कनेस, ये पर्पल के साथ ना थोड़ा ब्लैक भी है। अब मैं लगा रहा हूँ गाइस, देखो सद्दी बड़े ध्यान से करना क्योंकि छूट भी सकती है आपके हाथ से। मैं लगाता हूँ स्टैंड में, स्टैंड का मेरा ये रहा। गाइस गाइस मैं आपको बताऊँ, पहली ट्रिक ऐसी है जो सबको ही पता है लेकिन आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ, ओल्ड इज गोल्ड पुराना तरीका। आपकी पतंग ओपोनेंट से आगे होनी चाहिए, आप उसके पीछे होने चाहिए, अपनी पतंग उससे थोड़ी आगे रखना और उसके ऊपर से हो सके तो आप ऊपर से ढील मारना, हल्का हल्का इस तरह से झटके देते हुए ढील देना, 100% जाएगी, बट आपकी पतंग थोड़ी टाइट होनी चाहिए, मतलब बोले तो बाहरी। गाइस देखो ओल्ड इज गोल्ड वाला तरीका मैं आपको बताने जा रहा था। गाइस मेरी पतंग ही खराब हो गई है, आई गाइस पतंग सीधी हो गई गाइस मेरी, देखो अभी जो पतंग काटी दोनों वैसे ही काटी, मेरी तो अभी खराब हो गई थी लेकिन मैंने अपनी पता क्या ढील और खींच रोकी नहीं, अगर मैं कुछ भी नहीं करता ना तो मेरी जा सकती थी। गाइस यार अभी जो वाली पतंग थी मैं जैसे कि बता रहा था ना वो खराब थी यार, वो थोड़ी गीठ बांध रहा था उतने में ही घुस गई। गाइस देखो मैं ये पतंग उड़ा रहा हूँ नेक्स्ट, अब इसके जल्दी से कन्ने आपको मैंने बांधने सिखा दिया वैसे तो, इसके गाइस कन्ने वगैरह मैंने बांध लिया, अब डायरेक्ट मुझे उड़ाने की जल्दी है। इसको पतंग पता क्या कह रही है, यार आपने मेरे कन्ने तो बांध दिए और मुझे उड़ाओ, कह रही है मैं बहुत स्पीड से जाऊंगी पतंग से, आप जाइए बहुत स्पीड में जाइए। और ये देखो अपनी वापिस, गाइस ये देखो ये लड़ाते हुए पतंग, और ये काटूंगा मैं पता कैसे, मुझे लग रहा है मैं खींच से ही काटूंगा ये पतंग। और एक लोहड़ी पे क्या होगा? आग लगाई है, आग लगाएगी बढ़िया से, वीडियो बनाने से पहले यार उसमें लग चुकी है, मैंने पता नहीं बनी है, बनी थी कैमरामैन? हाँ मैंने दिखाई थी, दिखाई थी, मुझे नहीं पता था, मैं इससे बात कर रहा ये कह रहा एकदम से लग गई और मैंने काट दी।
गाइस ये जो कर रहे हैं देखो लंगड़ मार रहे हैं हमारी पतंग में, देखो लाइव आपको देखो लंगड़। नहीं नहीं गलत बात गाइस, मेरी पतंगें पकड़ रखे इसने अभी यार, पतंग दिख नहीं पाई, नहीं तो बढ़िया पेस था एकदम बताने लायक था। गाइस देखो वो काट तो वो नेक्स्ट मेरी जा सकती है मुझे लग रहा है क्योंकि उसने मेरी जाली है पूरी की पूरी पतंग। आई बो आई बो, इतनी तकड़ी हवाएं दिखाइए जरा, पतंग दिखा नीचे कैसे पकड़ने को हो गया, देखो देख रहे हो बहुत पकड़ी हवा, झंडा दिखाइयो, थोड़ा पुराना हो गया लेकिन भाग अपनी स्पीड पर आए। गाइस ये जो पतंग काटी है ना मैंने, आप सभी ने देखा होगा, पहले तो उसकी पूरी फंसा ली थी, मुझे लगा खींच मारने आएगा, मैंने इधर को बचाई लेकिन उसकी पतंग मेरे फंस गई। मैंने देखा आप सभी को इस तरह से रोकी नहीं, इस तरह से करती रोकी नहीं चाहे मेरे चली जाए, फिर उसकी पतंग फंसी है जब मैंने हल्की फुल्की खींच मार के ऊपर उठाई, नहीं तो मेरी चली जाती। और ये देखो यहाँ से पतंग उड़ चुकी है मुझे लग रहा है, और इसको काटते हुए देखो, और वो देखो पता नहीं क्या कर रहे हैं आपस में। गाइस देखो लाइव लंगर मारते हुए आपको दिखाऊं, देखो ये देखो गाइस लाइव लंगर मार रहे हैं, देख रहे हो इस तरह से साले बहन, देख रहे हो गाइस देखो ये पतंग काट के भगा रहा है, घर में भगा रहा है देखो गाइस, घर में भगा ली इसने तो, नहीं तो मैं इसकी काट देता, घर में भगा रहा है देख रहे हो, काट दूंगा लेकिन घर में भगा रहा है कोई। काटने का साला कुछ फायदा ही नहीं रहा, चिल्ला देखो कितने कुत्ते की तरह रहे हैं, उनकी मैंने काटी है उनके तो कैसे भाग रहे हैं, देखो देखो साली उनकी पतंग तो उन्हीं के पास आ गई। गाइस ये ना अपने एक दूसरे के दुश्मन है, मैं उसकी काट रहा हूँ तो वो भी चिल्ला के उन्हें यूं कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। गाइस देखो ये पतंग काट रहा हूं, ये कैसे काटी है खींच से कर रहा हूँ ना, क्योंकि थोड़ी हवा कम हुई थी इस वजह से मैंने खींच से मारी थी, बता देता हूँ कैसे काटी थी ये वाली। मान के चलो ये ओपोनेंट की थी, मतलब कि ये किसी बंद जो उड़ा रहा है आपके यहाँ, और ये मेरी, मैं उससे आगे गया, उसकी पतंग सीधी खड़ी थी पूरी बाहर को खींच दी, मतलब कि तिरछी खींच मारी है उसको, ऐसे मत मारना अंदर को, अंदर बाहर नहीं पता तो आपको यार बता देना, समझा दूंगा अंदर बाहर, क्योंकि अंदर बाहर समझना ना बहुत ही कठिन होता है। गाइस ये देखो ये वही पतंग है, इस बार तो नहीं आ पाएगी इन पे, उठा जल्दी एकदम चिरोस में खींचूंगा, देखो गाइस बच गई। गाइस एक नंबर पतंग काटी है, देखो आगे में भी उड़ रही, इनकी तो मैंने इतनी काट ली पता नहीं कहां कहां से ला रहे पतंग। गाइस पतंग दोनों गिरी भी नहीं यार, दोनों काटी है देखो आपके सामने लाइव एक साथ, मतलब कि 5-7 सेकंड का फर्क होगा तो ऐसे काटी, कैमरामैन पकड़ो, बहुत देर से कैमरामैन पता क्या कर रहा है, यूं कि तुम देखना मैं खींच मार काटूंगा तुम्हारी वीडियो बढ़िया बनेगी, यूं देव देव यूं यूं कर रहा बार बार, किससे लड़ाएगा? अरे उनसे, ओ इसकी पतंग दे ये रही पकड़, लंगड़ मारना तू बहन, तूने क्यों नहीं बनाया, देख पीछे वालों की आई है, देख क्लब की पतंग है ना, टेप देख कैसे बढ़िया लग रही है, देखो हमारे उधर से देखो उड़ाते हुए वो लोग, देखो ये लड़ाते हुए, इससे लड़ाएगा तू, लड़ाएगा काट देगा, नहीं काटी तेरा चौमिन बना दूंगा। हाँ अभी तो तू बोल रहा था दिल्ली छह का पतंगबाज है, दिल्ली छह के पतंग छोटे पेस थोड़ी लड़ाते, पार का पेस लड़वा चौमिन, ये देखो वो देखो वहां से लंगड़ मारने की तैयारी, और कैमरामैन लड़ाते हुए चल लड़ा, ओहो पतंगबाज दिल्ली छह के, ओहो दिल्ली छह के पतंगबाज की खींच देखो, ले उसकी तो घुस गई, वो तेरा बेटा सद्दी काट देगा, थोड़ी उतार, मैंने मंजा इतने लगाया, चल लड़ा कैमरामैन देखो लड़ाते हुए, थोड़ी और उतार और उतार और उतार, चल लड़ा ढील जान दे बस ऐसी सरासर जान दे, ढील दे दे ढील दे के लहू लू ढील दे के, आई बो हमारे कैमरामैन ने दिया देखो काट, और वो देखो वो गई पतंग देखो कैसी घुसती हुई, हाँ भाई कैसी काटी भाई, ऊपर से जैसे ओपोनेंट की हो गई, तू पतंग बाज है नहीं तो, तू चौमिन नहीं है, एक बार दांत दिखाई अपने, दांत दिखा वो फड़ी के, हर वीडियो में दांत ही दिखा बस, देखना कितने दिन हो गए तेरे को सपा करे, मैं हफ्ते में 3-4 बार, लंड तूने महीने से नहीं करे 4-5 मुझे लग रहा है, ऐसी मैं करता हूं रोज, लंड करता है तू, एडिटिंग से तो हो जाएंगे पीले, ये देखो इसकी एडिटिंग वो चीज है जो आदमी को नंगा बना दे, तो तेरे को भी बना दूं बता। गाइस ये वीडियो हम समाप्त करने जा रहे हैं क्योंकि ना पतंग तो उड़ रही है, बट कैमरामैन को कहीं जाना है, कह रहा है कैमरामैन आज के लिए इतनी रखो, हो सकता है कैमरामैन एक और पेच लड़ा ले एक आध और, तो आपको दिखा देते हैं, बाकी दावे में तो उतार ही रहा हूँ,
तो मिलते फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मंजा ऑर्डर करना है तो उस पर इंस्टाग्राम पे आओ, सीरियस बायर सीओडी अवेलेबल है, 30-40% आपको एडवांस देना होगा। अगर आप कहोगे कि भाई ये करवा दो, हम आपके सब्सक्राइबर है, ये है वो है, तो भाई देखो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर मैं आपकी तरफ भेजूँ सामान और आप मना कर दो लेने से, जाने का कुरियर का चार्ज, आने का कुरियर का चार्ज बहुत भारी पड़ जाता है इस वजह से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।